दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे स्पाइस मनी के द्वारा जो अमेजोन स्टोर की सर्विस लाई गई वो सर्विस क्या है और कैसे काम करती है, उसके लिए कैसे एक्टिवेशन होगा, क्या एक सर्विस आपको कमीशन मिलने वाला है, पूरी चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे आपको क्या आपको मिलने वाला है अमेजोन सर्विस में, अमेजोन स्टोर पर, और कैसे उससे आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए उसके लिए आपको मैं ले चलता हूँ स्पाइस मनी की वेबसाइट पे। यहाँ मैंने स्पाइस मनी का आईडी को लॉगिन कर रखा है। यहाँ पे आपको स्पाइस मनी में आपको अभी कोई भी अमेजन का सर्विस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इस सर्विस के लिए आपको एक्टिवेशन कराना होगा, इस सर्विस के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। तो इस सर्विस को एक्टिवेट कराने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करना होगा या कस्टमर केयर को कॉल करना होगा, तभी आप अपनी स्पाइस मनी आईडी में अमेजोन सर्विस को एक्टिवेट करवा सकते हैं। या मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। या आप नया रिटेलर आईडी या डिस्ट्रीब्यूटर लेना चाहते हैं तो फिर भी उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या किसी भी तरह का सर्विस, IRCTC सर्विस हो या अमेजोन सर्विस हो, किसी भी तरह का सर्विसेज एक्टिवेट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए जब आप सर्विस एक्टिवेट करा लेंगे अमेजोन का, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा अमेजोन स्टोर का एक ऑप्शन सर्विसेज अगर आपकी एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद जैसे आप उस अमेजोन स्टोर सर्विस पे क्लिक करेंगे, तो न्यू टैब में आपको अमेजोन की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे आपको वेबसाइट में मिल जाएगा store.amazon.in। बल्कि अगर आप डायरेक्ट गूगल पे जाएंगे, अगर डायरेक्ट आप अमेजोन की वेबसाइट पे जाते हैं तो amazon.in मिलता है। अगर आप स्पाइस मनी के द्वारा अमेजोन पे जाते हैं तो आपको मिलेगा store.amazon.in। आपको वेबसाइट दोनों सेम ही दिखने को मिलेगी, सारी सर्विस सेम मिलेगी और पूरी अकाउंट भी आपको सारी चीज़ सेम ही मिलेगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने जो स्पाइस मनी के द्वारा अमेजोन सर्विस ओपन किया है store.amazon.in, और जो मैंने डायरेक्ट गूगल से अमेजोन लॉगिन किया हो, सर्च किया हो, तो amazon.in। यहाँ से अगर आप अमेजोन की वेबसाइट से अगर कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं तो उसमें आपको हर चीज़ में आपको कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं रहता है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक कोई भी प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये कोई भी प्रोडक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये एक फ्रीज़र है। तो इससे क्या होगा आप देख सकते हैं, मैं दूसरे कोई प्रोडक्ट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अमेजोन की वेबसाइट ओपन कर रखी है, जो कि मैं स्पाइस मनी के मतलब कि स्पाइस स्टोर के द्वारा ये वेबसाइट ओपन है। और ये दूसरा टैब जो ये डायरेक्ट अमेजोन से अमेजोन लॉगिन है, जो कि डायरेक्ट आप गूगल से जाके अमेजोन सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे ये amazon.in नॉर्मल हो गया और अमेजोन स्टोर जो यहाँ पे store.amazon.in हो गया। तो अब दोनों में क्या फ़र्क है वो आपको हम बताते हैं। किसी भी एक मोबाइल को या कोई भी प्रोडक्ट हो, किसी भी प्रोडक्ट को हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं वीवो V17 को सर्च कर रखा है यहाँ, और इस फ़ोन को यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ, जो कि store.amazon.in से स्टोर किया। और उसी फ़ोन को मैं यहाँ पे amazon.in पे सर्च करता हूँ, सेम वेबसाइट है और सेम मोबाइल है, सेम मॉडल, दोनों को मैं एक ही चीज़ को ओपन करके और आपको लाइव दिखा रहा हूँ। यहाँ देख लिए वीवो V17 20,990, और स्टोर के द्वारा आएंगे तो 20,990। सेम मोबाइल है ये, एक store.amazon.in से ओपन है, एक amazon.in, यानी कि अमेजोन से अगर आप किसी भी तरह का ऑर्डर करेंगे तो आपको कैश ऑन डिलीवरी किसी प्रोडक्ट पे मिलेगा, किसी प्रोडक्ट पे नहीं मिलेगा। अगर आप store.amazon.in से किसी भी तरह का प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो आपको हर तरह के प्रोडक्ट जो अमेजोन पे अवेलेबल है वो आपको कैश ऑन डिलीवरी पे मिल जाएगा। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे amazon.in से इस मोबाइल को ऑर्डर करूँगा, तो यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करूँगा। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं amazon.in की वेबसाइट से मैंने इस मोबाइल को परचेज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन है। यहाँ पे पे ऑन डिलीवरी जो है सेलेक्ट नहीं ले रहा है, क्या पे ऑन डिलीवरी इज नॉट अवेलेबल। उसी फ़ोन तो यहाँ पे amazon.in से जो मैं फ़ोन को ऑर्डर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कह रहा है पेमेंट करने के लिए, तो यहाँ पे जो पे ऑन डिलीवरी, ये पे ऑन डिलीवरी की सर्विस सेलेक्ट नहीं ले रही है। अगर उसी फ़ोन को हम store.amazon.in से बुक करेंगे तो यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ भी देख सकते हैं मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ। जैसे store.amazon.in से मैं इस मोबाइल को परचेज करूँगा, ठीक है,
तो यहाँ देखिए स्टोर डॉट अमेजन वही मोबाइल है, यहाँ पे ऑन डिलीवरी ये ऑप्शन सेलेक्ट ले चुका है, तो यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर अमेजोन की वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पे ऑन डिलीवरी नहीं ले रहा है। स्टोर डॉट अमेजोन जो स्पाइस मिनी के द्वारा सर्विस मिलेगी उससे आप करेंगे तो यहाँ पे आपको पे ऑन डिलीवरी मतलब कि हर तरह के प्रोडक्ट पे कैश ऑन डिलीवरी आपको मिलेगा, जब भी आपको प्रोडक्ट दिया जाएगा तब आपको पेमेंट करना होगा। वहीं अगर अमेजोन से अप्लाई करते हैं किसी भी तरह का ऑर्डर करते हैं तो आपको कुछ में कैश ऑन डिलीवरी मिलेगा, कुछ में नहीं मिलेगा। अगर आप स्टोर से करते हैं तो आपको हर प्रोडक्ट में यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी मिलने वाला है। तो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, तो इस तरह आप यहाँ पे पूरी चीज़ देख सकते हैं, अपना पूरा एड्रेस, प्रोडक्ट और क्या कब डिलीवरी होगा वो सब आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक ऑर्डर कर चुका हूँ, मैंने अभी आपके सामने एक ऑर्डर किया हूँ इसी फ़ोन को। यहाँ पर अकाउंट पर जाएंगे, अकाउंट पे क्लिक करने के बाद माय ऑर्डर पे जाएंगे और यहाँ पे जो मैंने अभी फ़ोन को ऑर्डर किया हो वो 18 सितंबर से पहले हमको मिल जाएगा। वीवो V17 है, ये हमारा ऑर्डर हो चुका है कैश ऑन डिलीवरी से, ठीक है। तो आप इस तरह अमेजोन से किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, हर प्रोडक्ट पे आपको कैश ऑन डिलीवरी का सर्विस मिलेगा और जो भी कस्टमर आपके शॉप पे आता है किसी भी तरह का ऑर्डर करवाने के लिए तो आपको उस प्रोडक्ट को कैश ऑन डिलीवरी पर ही ऑर्डर करना है। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पर किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करेंगे उसमें आपको कमीशन दिया जाएगा स्पाइस मनी की ओर से, मतलब कि आपको स्पाइस मनी के अमेजोन स्टोर से अप्लाई करना है किसी भी ऑर्डर को ऑर्डर करना है तो उसमें आपको कैश ऑन डिलीवरी को सेलेक्ट करना है। जब कैश ऑन डिलीवरी आप सेलेक्ट करेंगे तभी आपको कमीशन मिलेगा, अगर आप पे करेंगे ऑनलाइन तो उस वक्त आपको स्टोर डॉट अमेजोन डॉट से पेमेंट नहीं मिलेगी, मतलब कमीशन नहीं मिलेगा। तो आप स्टोर अमेजोन की जो स्टोर सर्विस है जो स्पाइस मनी की द्वारा लाइव की गई है, अगर आप उस कैश ऑन डिलीवरी पर ऑर्डर करेंगे तभी आपको कमीशन मिलेगा। तो आपको हर प्रोडक्ट हर ऑर्डर को कैश ऑन डिलीवरी पर ही ऑर्डर करना है तो और उसमें आपको कमीशन मिलेगा। तो इसी तरह स्पाइस मनी की जो ये अमेजोन स्टोर है ये काम करती है स्टोर डॉट अमेजोन डॉट इन, तो उसी तरह आप ये कर सकते हैं, मतलब कि सभी प्रोडक्ट को कैश ऑन डिलीवरी पर ऑर्डर कर सकते हैं और हर प्रोडक्ट पर आप कमीशन ले सकते हैं। अगर अमेजोन की डायरेक्ट वेबसाइट से इंटरनेट के माध्यम से अमेजोन से ऑर्डर करेंगे तो उसमें आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा और हर प्रोडक्ट पर कैश ऑन डिलीवरी का सुविधा नहीं मिलेगा। अगर आप अमेजोन स्टोर से ऑर्डर करते हैं तो आपको हर प्रोडक्ट पर कैश ऑन डिलीवरी का सुविधा मिलेगा और हर प्रोडक्ट पर आपको कमीशन भी मिलेगा। तो यही था अमेजोन स्टोर जो स्पाइस मनी के द्वारा लॉन्च की गई, इस सर्विस को आपको एक्टिवेट कराना होगा। एक्टिवेट कराने के इसमें आपको कुछ चार्ज लगते हैं जिसके बारे में आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हो, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पर डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और अपना ये सर्विस अमेजोन स्टोर का एक्टिवेशन करवा सकते हैं। या आप स्पाइस मनी रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर बन के स्पाइस मनी के साथ काम करना चाहते हैं तब आप भी कॉल कर सकते हैं। स्पाइस मनी के साथ आप मोबाइल रिचार्ज, रुपया निकासी जमा, APS, मनी ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट, आधार पे, ट्रेन टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग, फ्लाइट टिकट, पैन कार्ड, ऐसे ढेर सारी पेमेंट और सर्विस के साथ आप काम कर सकते हैं। LIC पेमेंट, कैश कलेक्शन के साथ साथ मिनी मैजिक, मिनी कैश, ATM से रुपया निकाल सकते हैं। ये सारा सी सर्विस आपको स्पाइस मनी के द्वारा दे दिया जाता है। अगर आपको चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अमेजोन सर्विस भी एक्टिवेट करा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपने पूरी तरह समझ लिया कि अमेजोन स्टोर जो स्पाइस मनी के द्वारा लॉन्च किया गया वो क्या है और वो कैसे काम करती है। तो उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा और किसी भी तरह का नया वीडियो टॉपिक चाहिए, नया वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं ताकि हम उस टॉपिक पे जल्द से जल्द वीडियो आपको दे सकूँ।